फ्रेंड्स, जेएनयूएसयू की तरफ से सबसे पहले मैं डीएसएफ को जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये प्रोटेस्ट इमीडिएट बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया। और आप सब जितने भी लोग हम यहाँ पे आए हैं, हम लोग को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे हाथ में ये प्लकार्ड था, मैं इधर खड़ी थी। एक और औरत आई, आंटी आई, उन्होंने पूछा कि तुम लोग के पास क्या पैसे नहीं है, इतना सिंपल सा पोस्टर लेके खड़ा है। मैंने बोला कि आंटी हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने यही कहा कि शाबाश कि तुम इस देश को बचाने के लिए खड़े हो। इसीलिए हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज हम इस देश को बचाने के लिए खड़े हैं। आज इस देश में क्या हो रहा है, जब से ये देश बना है तब से दो धारा के लोग इस देश में हैं। एक वो लोग है जो देश को हमेशा से बांटना चाहते थे, वो चाहते थे कि देश एक हिंदू राष्ट्र बने, एक कॉम्युनल राष्ट्र बने जहाँ पे बाकी लोगों का सेकेंडरी सिटीजन हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो आजादी के समय से एक सेक्युलर राष्ट्र की बात कर रहे थे, जो बोले कि अखंडता में एकता की बात करते हैं हम। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रेस, किसी भी रिलीजन, किसी भी तरह के लोग इस देश में रह सकते हैं और फ्रीडम के साथ अपना इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। ऐसे लोगों ने हमें आजादी दिलाई है और एक बार फिर से उस आजादी की लड़ाई दोबारा हो रही है। जब इस देश को बांटने की कोशिश की जा रही है अलग अलग नाम पे, कभी मुसलमानों के नाम पे, आप देखिए कैसे गाय के नाम पे रोज हर रोज किसी न किसी को मारा जा रहा है। ये पूछा जा रहा है कि आपके फ्रिज में खाने को क्या है, इसके नाम पे लोगों को लिंच किया जा रहा है। आप किससे शादी कर रहे, नहीं कर रहे, लव जिहाद के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। ये जो कॉम्युनल हेट मॉन्गरिंग कर रहा है ये आरएसएस बीजेपी, उनको आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा। उनको अगर लगता है कि ये सिटीजनशिप बिल जो वो लेके आए हैं, लोग उनसे सवाल जवाब नहीं मांगेंगे, लोग उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से आप सिटीजनशिप बिल लेके आए हैं उसमें जिस तरह की चीजें लिखी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो सेक्युलरिज्म का अंडरस्टैंडिंग है उसके खिलाफ है। और मैं जेएनयूएसयू से यहाँ से उनको इस अमेंडमेंट बिल लाने के लिए एंटी नेशनल बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो लाया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी नेशनल है वो लोग। और इस आने वाले इलेक्शन में उनको जवाब देना पड़ेगा। जो आप हेट का पॉलिटिक्स कर रहे हैं इससे आप जीतने वाले नहीं है। आप देखिए कि वो पांच लोगों को जिनको मारा गया वो है कौन, वो डेली वेज अर्नर है, उनका सुबह अगर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा वो सुबह के नौकरी पे डिपेंड करता है। और ऐसे लोगों को ही हर कॉम्युनल दंगे में टारगेट किया जाता है, जिनके पास कुछ नहीं होता है उनको ही मारने की कोशिश की जा सकती है। आखिर गुजरात से किनको निकाला गया, वो डेली वेज वर्कर ही थे जो रोज की रोटी कमाने जाते हैं, उनको निकाला जाता है। आप अगर याद होगा तो अखबारों में वो तस्वीरें देख के लगा होगा कि इंडिया का पार्टीशन तो नहीं हो रहा है। जिस तरह से ट्रेन में लोग भर भर के भेजे जा रहे थे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। इस तरह का माहौल एक बार फिर से इस देश में बना दिया गया है। और हमें एज सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे डिफीट किया जाए, जो कॉम्युनल लोग हैं हमारे देश में उनको डिफीट किया जाए और हम इस एकता के साथ खड़े रहेंगे। और मैं फिर से एक बार जेएनयूएसयू की तरफ से डीएसएफ को रेड सल्यूट करना चाहूंगी। शुक्रिया।